हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जिज्ञासा सॉल्यूशन में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ आईएएस आईपीएस सिविल सर्विस एग्जाम का फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं। बहुत ही सिंपल स्टेप है। आप घर बैठे ही 5 मिनट के अंदर, सिर्फ ओनली 5 मिनट्स में आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 100 रुपये चार्ज है ओबीसी और जनरल के लिए, और एससी एसटी के लिए एकदम बिल्कुल फ्री है। अगर आप शॉप पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको 100 रुपये या 80 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज ले लिया जाता है, लेकिन आप अपने फोन से खुद से भरते हैं तो आपको कोई चार्ज नहीं देना है। सिर्फ आपको, अगर ओबीसी या जनरल से हैं तो आपको सिर्फ ओनली 100 रुपये देना है। चलिए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर और फॉर्म को कैसे भरना है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे। क्रोम ब्राउज़र पर क्लिक कर देना है। क्रोम ब्राउज़र में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सरकारी रिजल्ट, यहाँ पे आपको sarkaririzalt.com लिख के सर्च कर लेना है। आपको ये सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट खुल जाएगी। आप यहाँ पे लेटेस्ट जॉब में देख रहे होंगे कि यूपीएससी सिविल सर्विस आईएएस आईएफएस फ्री ऑनलाइन फॉर्म, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। आप क्लिक करते हैं, देख सकते हैं आपका यहाँ पे फॉर्म खुल गया है। जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपये, और आपको नीचे स्क्रॉल करना है। टोटल पोस्ट आप देख सकते हैं 886 पोस्ट है। इसमें से आईएएस इंडियन के लिए इतना है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए 90 पोस्ट है। नीचे चलते हैं, नीचे स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक हियर, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 12 तारीख को ये नोटिस जारी किया गया है। हमको यहाँ पे दो पार्ट में पंजीकरण दिखाई दिया रहा है, तो हमको यहाँ पे पहले पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आप इसको, बहुत सारे निर्देश दिए गए हैं, आपको सारे निर्देश को पढ़ लेना है। फिर नीचे स्क्रॉल करते हुए यहाँ पे यस का ऑप्शन आ रहा होगा, यस के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद देख लेंगे, आपको यहाँ पे अपना नाम, कोई अपना यहाँ पे पूरा नाम लिखना है। पूरा नाम लिखने के बाद यहाँ पे आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे आपको DU भी लिख लेना है। DU भी लिख लेना है, जो भी आपका हो वही इसको, इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है जो 21 साल का हो चुका है। यहाँ पे अपने पिता का नाम लिख लेना है, यहाँ पे अपने माता का नाम लिख लेना है, यहाँ पे अपना मैरिड स्टेटस लिखना है, आप मैरिड है कि अनमैरिड। यहाँ पे आपको दिव्यांग है तो दिव्यांग, नहीं तो नो पे क्लिक कर देना है। समुदाय अपना सेलेक्ट कर लेना है, ओबीसी तो ओबीसी, जनरल तो जनरल के लिए। इसमें क्या आप गरीबी अमीरी आती है तो यस, अपना धर्म सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको अपना धर्म सेलेक्ट करना है, धर्म हिंदू आ ही नहीं रहा यार। नीचे स्क्रॉल करना है, आपकी शैक्षणिक योग्यता, आप ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन होंगे तभी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलरेडी पास डिग्री, अगर आप पास है तो पास पे करना है, अगर अपेयरिंग है तो अपेयरिंग, अपेयरिंग पे क्लिक कर लेता हूँ मैं। स्ट्रीम, यहाँ पे आप कर क्या रहे हैं, डिग्री किस चीज़ की ले रहे हैं, आपको वो सेलेक्ट कर लेना है। अब जिस भी चीज़ की डिग्री ले रहे हैं आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। मैं इकोनॉमिक्स का सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप किस परीक्षा के लिए सबमिट होना चाहते हैं, आप देख लेंगे आप किस परीक्षा के लिए सबमिट होना चाहते हैं, क्योंकि इसमें आईएएस आईपीएस के लिए बहुत सारे प्रेफरेंस होते हैं। तो आपको यहाँ पे सिविल सर्विस यहाँ पे क्लिक कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे अपना पूरा दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे पूरा अपना एड्रेस, यहाँ पे सब कुछ दिख रहा होगा, एड्रेस, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, फ़ोन नंबर, ईमेल, सब कुछ सेलेक्ट कर लेना है। मैं अपना सब कुछ सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैंने सब कुछ फिलअप कर लिया है, एड्रेस जो भी है, आप यहाँ पे ईमेल आईडी फिलअप कर लिया है। यहाँ पे कंटिन्यू आगे बढ़ें पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि भुगतान का ऑप्शन आ रहा है। आई एम ए छूट कर वह यहाँ पे क्लेम करते हैं, यस कंटिन्यू आगे पे क्लिक करते हैं। इसके बाद आपका पेमेंट का ऑप्शन आएगा। अगर आप ओबीसी जनरल से हैं तो आपको 100 रुपये का पेमेंट करना होगा। अगर आप एससी एसटी हैं तो आपको अपना जाति वाला डॉक्यूमेंट लगा के आप फ्री में पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना फ़ोटो साइन और अपना ग्रेजुएशन का मार्कशीट वहाँ पे लगाना होगा। उसके बाद आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड फॉर्म में भी कुछ फॉर्मेलिटी होती है छोटी बहुत, वो अपने आप से ही कर सकते हैं आप। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मैसेज और ईमेल हो जाएगा। फिर आपको एडमिट कार्ड सरकारी रिजल्ट पे चेक करते रहना है, एडमिट कार्ड आएगा डाउनलोड कर लेना। जब भी एग्ज़ाम होगा वो आपको वहाँ से पता चल जाएगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।